नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वाणिज्य व्यवस्था कक्षा 11 चैप्टर 2 धंधा की सेवाएं। इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा था बीमा का अर्थ और उसके प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम गोदाम का अर्थ और उसके प्रकार। तो बच्चों, गोदाम अर्थात क्या, पहले हम देखेंगे। गोदाम के पश्चात माल का विक्रय या उपभोग तुरंत नहीं होता है, इसलिए उसका संग्रह करना आवश्यक होता है। नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है। बहुत सी वस्तुओं की मांग मौसमी है और उसका उत्पादन पूरे वर्ष के दौरान होता है, तब ऐसी वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है और मांग को तब प्राप्य हो सके, ऐसी व्यवस्था गोदाम द्वारा की जाती है। कई बार कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाए इससे पूर्व उसका संग्रह करना आवश्यक होता है। इस प्रकार वाणिज्य के एक अंग के रूप में गोदाम की सेवा आवश्यक होती है। तो इसका अर्थ देखेंगे। गोदाम एक ऐसी सेवा है जिसमें उत्पादनों का संग्रह किया जाता है। उत्पादन अपने मूल स्वरूप में अछत रहे इस प्रकार से रखा जाता है। संग्रह दौरान उत्पादन के गुण बने रहें अथवा उसमें कम से कम परिवर्तन हो, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। गोदाम के कारण समय तुष्टिगुण का सृजन होता है। अब हम देखेंगे गोदाम के प्रकार। तो बच्चों, गोदाम के मुख्य तीन प्रकार हैं। मालिकी की दृष्टि से, कर भुगतान की दृष्टि से और उपभोग की दृष्टि से। फर्स्ट देखेंगे हम मालिकी की दृष्टि से, जिसमें मुख्य तीन प्रकार, दो प्रकार दिए हुए हैं, निजी गोदाम और सार्वजनिक गोदाम। फर्स्ट देखेंगे निजी गोदाम। निजी मालिकी के गोदाम व्यापारी या उत्पादकों के अपने माल का संग्रह करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार निजी मालिकी के गोदाम होते हैं। ऐसे गोदामों को हम निजी मालिकी का गोदाम कहते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे सार्वजनिक गोदाम। जिन गोदामों का उपयोग अपने धंधे या हितों के लिए नहीं किया जाता है बल्कि आम जनता द्वारा किया जाता है, उन्हें सार्वजनिक गोदाम कहते हैं। इन गोदामों की मालिकी निजी व्यक्ति या संस्था की होती है। धंधाकीय या अन्य लोग इन गोदामों की सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं और बदले में किराया और अन्य खर्च का भुगतान भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक गोदाम। दूसरा प्रकार है कर भुगतान की दृष्टि से। इसके दो प्रकार हैं बच्चों। पहला है कर भरे हुए माल का गोदाम। आयातित माल का आयात शुल्क भुगतान के पश्चात निर्धारित स्थान पर ले जाने के लिए तुरंत वाहन व्यवहार की सेवा उपलब्ध न हो, तब बंदरगाहों पर, हवाई अड्डों पर, सीमा व्रती स्थानों पर कर भले का माल संग्रह करने के लिए सार्वजनिक गोदामों की सेवा उत्पन्न होती है। ऐसी सेवाओं को हम कहेंगे कर भरे हुए माल का गोदाम। दूसरा है कर न भरे हुए माल का गोदाम। तो आयातित माल पर निर्धारित दर से कर भुगतान करना होता है। आयातित माल जिस पर कर भुगतान नहीं किया गया है
उसे जिस गोदाम में संग्रहित किया जाता है उन गोदामों को न भरे माल के गोदाम कहते हैं। बच्चों थर्ड पॉइंट है उपयोग की दृष्टि से। इसमें कुल दो प्रकार हैं, सामान्य गोदाम और विशिष्ट गोदाम। तो हम देखेंगे उपभोग की दृष्टि से सामान्य गोदाम, जिस माल के संग्रह देखरेख और सुरक्षा के लिए विशेष अथवा अलग सेवा न देनी पड़े, ऐसे माल के संग्रह के गोदाम को सामान्य गोदाम कहते हैं। इसी तरह विशिष्ट गोदाम, जिस माल के संग्रह देखरेख और सुरक्षा के लिए विशेष और अलग सेवा देनी पड़े, ऐसे माल के संग्रह को सामान्य गोदाम कहते हैं। अब विशिष्ट गोदाम में हम देखेंगे कि जिस माल के संग्रह या उसकी देखरेख या उसकी सुरक्षा या उसके किसी विशेष प्रकार के लिए अलग सेवा न देनी पड़े, तो ऐसे माल के गोदाम को हम विशिष्ट माल के गोदाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, पटाखे, जहरीला रसायन, रसोई गैस, पेट्रोल जैसे चीज वस्तुओं के संग्रह देखरेख और सुरक्षा के लिए विशिष्ट गोदाम अनिवार्य होता है। फल फूल सब्जी जैसे नाशवान पदार्थों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसे विशिष्ट गोदाम बनाए जाते हैं। सुरक्षा के उद्देश्य के अनेक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, तो जिसे हम कहते हैं विशिष्ट गोदाम। बच्चों हमने गोदाम के प्रकार देखे, कुल तीन प्रकार हैं, मालिकी की दृष्टि से, कर भुगतान की दृष्टि से और उपभोग की दृष्टि से। नमस्कार।